पहले तो हेमंत सोरेन सरकार में, जो हेमंत सोरेन की सरकार में जो उनके प्रवक्ता है सूर्य भट्टाचार्य वो बाहरी है, सोनू ठाकुर बाहरी है और पिंटू जी बाहरी है, इनके अनेक उनके जो बाहरी लोग हैं उनको जेल से भगावे ना। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक यहाँ के खतियानी हैं। कौन विधायक बाहरी है बताओ, सारे खतियानी यहाँ के हैं। वो सब षड्यंत्र, हेमंत सरकार ने जो वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लोन माफ कर देंगे, ये सारे मुद्दे से वो पीछे हट गई, नहीं कर पाया, तो एक विवाद नियोजन नीति रद्द करके एक नया विवाद पैदा करने का काम किया है। झारखंड में रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने नियोजन नीति बनाई थी, 1985 को हम लोग कटऑफ डेट बनाए थे और उस नियोजन नीति को इस सरकार ने रद्द कर दिया। अब हम लोग सरकार, आज लाखों करोड़ों नौजवान था जिसकी नौकरी अंधेरे में चली गई, वो आज रोड पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक इस सरकार ने नियोजन नीति नहीं बनाई, इस सरकार ने एक ऐसा कानून तुलकी कानून बना दिया कि जो झारखंडी आदमी, जो जिनका झारखंड में खतियान है और अगर यदि वो बाहर से इस स्टेट से बाहर जाकर मैट्रिक और इंटर का पढ़ाई करता है उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा, जबकि वो झारखंडी है, खतियान यहाँ का है। ये इस तरह की तुलकी कानून उल्टा पुल्टा नियम बनाने में सरकार माहिर है। झारखंड में आज जो भी विवाद आप देख रहे हैं ये विवाद स्वयं सरकार ने पैदा किया है। नियोजन नीति सुने, नियोजन नीति स्वयं सरकार ने रद्द किया और एक विवाद को पैदा किया। भाषा का विवाद का जहां तक बात आया, मघी भोजपुरी को खुद इन्होंने शामिल किया धनबाद बोकारो में, खुद इन्होंने हटाने का काम किया। इसीलिए झारखंड की सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। मैं मांग करता हूँ सरकार के चैनल के माध्यम से सरकार से कि किस तरह की नियोजन नीति आप लाना चाहते हैं, आप किस तरह की जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, आप करो, आपकी सरकार है, हम लोग देखना चाहते हैं। युवा कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों का विरोध होगा, सभी बाहरी हैं। कौन है सबसे पहले तो हेमंत सोरेन सरकार में, जो हेमंत सोरेन की सरकार में जो उनके प्रवक्ता है सूर्य भट्टाचार्य वो बाहरी है, सोनू ठाकुर बाहरी है और पिंटू जी बाहरी है, इनके अनेक उनके जो बाहरी लोग हैं उनको जेल से भगावे ना। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक यहाँ के खतियानी हैं। कौन विधायक बाहरी है बताओ, सारे खतियानी यहाँ के हैं। वो सब षड्यंत्र, हेमंत सरकार ने जो वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लोन माफ कर देंगे, ये सारे मुद्दे से वो पीछे हट गई, नहीं कर पाया, तो एक विवाद नियोजन नीति रद्द करके एक नया विवाद पैदा करने का काम किया है।